अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू accessorieshub.com। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें करेंगे, एक तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके सामने लेकर आएंगे, एक हम सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो को सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के साथ कंपेयर करेंगे, और थर्ड जो इसके ऊपर आजकल स्पाइजन का केस लोग लगा रहे हैं हम उसके ऊपर आपको वो लगा कर दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। प्रोडक्ट को हम अनबॉक्स तो करते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये प्रोडक्ट को मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ और इसकी साउंड टेस्टिंग कर चुका हूँ ताकि हमारा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बता सकूँ। बॉक्स के कुछ साइड पर देखते हैं तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि इस पर मेंशन है, काफ़ी अच्छे उन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। बैक साइड पर देखते हैं तो ये कुछ और इसके बारे में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, एक्सेसरी सबका इस पर स्टिकर भी लगा हुआ है, बैटरी टाइमिंग का भी बताया हुआ है 5 to 18 hours, और ये ब्लूटूथ साउंड बाय AKG। प्रोडक्ट की सील जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप इसको बाय करें तो ये सील ज़रूर इस पर लगी होनी चाहिए, ये वाली सील भी, लेकिन क्योंकि हम इसे ओपन कर चुके हैं तो ये सील मैं इसको काट चुका था। तो प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, ये अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको पता हो कि सील पैक ही आपने ये प्रोडक्ट बाय करनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर ये एक स्टिकर सा लगा आता है, इसे हम रिमूव करेंगे। देखें, ओपन करने के बावजूद मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, और इन चीज़ों को हम रख देते हैं साइड पर। बड्स प्रो को मैं यहाँ पर ज़रूर रखूँगा बैकग्राउंड में ताकि आप बोले ना ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो का रिव्यू है। तो केस को देखें, काफ़ी सॉलिड केस है, टाइप सी इसमें चार्जिंग है और मैट फिनिशिंग है, अनलाइक सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 जिसकी शाइनी बॉडी है। अच्छी फील है और काफ़ी अच्छा साइज़ है जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और ये बात भी आप मत भूलिएगा कि ये सैमसंग के इस वक्त के मोस्ट एडवांस्ड ईयरबड्स हैं, इवन बेटर देन द रिसेंटली रिलीज सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2। इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स की शेप काफ़ी ज़बरदस्त है और एक ईयरबड देखें यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि बड़े अच्छा इन्होंने इसको इस तरह से डिज़ाइन दिया है, सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 से ज़रा डिफरेंट और अच्छी फिट है इसकी। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा और इसको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के साथ कंपेयर करूंगा, लेकिन सब कंपेयर करने से पहले मैंने जैसे कि आपको कहा था कि इसमें तीन चीज़ें होने वाली हैं, एक हम इसमें स्पाइजन का केस, जो कि हमारे पास यहाँ accessorieshub.com पर स्पाइजन का केस आया हुआ है जिस पे ये कार्बन फाइबर फिनिशिंग भी है और बहुत ही अच्छा केस है इस, हम इस हम इन ईयरबड्स को इस पर लगाएंगे और फिर हम चलेंगे अपने फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये बड़े इजीली ये इंस्टॉल हो जाता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से लगाया और इसको इस तरह से लगाया और ये हमारा स्पाइजन केस में ये बड्स चले गए हैं। यहाँ आपको लेदर या कोई भी पेंट के साथ हैंग करने के लिए बकल में या आपको दिया हुआ है तो आप इजीली इसको अपने पेंट के साथ इसे लगा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसको अब हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के साथ। तो ये हैं बड्स 2 जो कि ये भी हमने इसको स्पाइजन के ही केस में हमने इसे रखा हुआ है। कंपैरिजन करते हैं और अच्छा यहाँ पे मैं क्योंकि इसे निकालूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाइट कलर में है सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2। अब सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 डिफरेंट कलर में आते हैं जिसमें ऑलिव ग्रीन है, ब्लैक है और एक पिंक सा कलर है और वाइट भी है, जबकि जो बड्स प्रो हैं ये वायलेट में आते हैं, ब्लैक में आते हैं और सिल्वर से कलर में आते हैं। इसे हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं तो ये कंप्लीट ब्लैक है और ये बेशक इनकी बॉडी वाइट है मगर अंदर से डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये वाला ब्लैक वर्जन है। तो ये देखें अगर आप दोनों को कंपेयर करें, ये ब्लैक बल्कि ये थोड़ा सा ग्रेश सा इफेक्ट है इसका। तो ये देखें, वाइट इसकी आउटर बॉडी है और ब्लैक इनर बॉडी है, जबकि ये कंप्लीट ब्लैक है। हम बड्स के कंपैरिजन पर जाते हैं, हमारे पास एक ये है गैलेक्सी बड्स प्रो और ये बड्स 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें किस तरह का ये डिफरेंस है। जब मैं इसकी फिटिंग की और इसकी बड्स की मैं
इसकी तारीफ़ कर रहा था तो मैं, मेरे एक्चुअली जहन में कंपैरिजन था बड्स 2 के साथ। बड्स 2 और इसकी, ये देखें यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कानों में कौन सी चीज़ ज़्यादा फिट बैठेगी। फिटिंग तो चलिए हो गई, फिटिंग वाइज वैसे मैं बड्स 2 को थोड़ा सा बेहतर रेट करता हूँ। और ये बड्स भी काफ़ी देखें छोटे साइज़ के हैं, बड्स प्रो से भी ज़्यादा छोटा है बड्स 2। दोनों में अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो बड्स 2 लेटेस्ट हैं और बड्स का साइज़ छोटा है, मगर बड्स प्रो ज़्यादा एडवांस्ड हैं। बड्स प्रो जहाँ पर लैग करते हैं बिहाइंड बड्स 2 वो ये है कि इनकी बैटरी लाइफ इज स्लाइटली स्मॉलर, स्लाइटली, मतलब अगर वो 20 आवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये 18 आवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर जहाँ तक साउंड टेक्नोलॉजी की बात आए, आई थिंक सैमसंग बड्स प्रो आर बेटर देन बड्स 2। इनकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है वो ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा आपकी जो नॉइज़ है उसको कैंसिल करता है। साउंड क्वालिटी इज़ डेफिनेटली स्लाइटली बेटर, जो कि मैंने फील किया है दोनों को ट्राई करने के बाद। और थर्ड जो इसकी लाउडनेस है मुझे काफ़ी, मतलब बैलेंस सी लगी है। नो डाउट गैलेक्सी बड्स 2 बहुत अच्छे हैं, इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, फिट बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, मगर लाउडनेस में मैं स्लाइटली इसको, आई थिंक जो बड्स प्रो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो ये हैं इनके मेजर डिफरेंसेस जहाँ पे मैंने बैटरी लाइफ की बात की है, इनकी नॉइज कैंसिलेशन की बात की है और इनकी लाउडनेस साउंड क्वालिटी की बात की है। तो बड्स प्रो को मैं स्लाइटली हायर रेट करूँगा। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इनका ये डिज़ाइन है और ये ब्लैक कलर में इस वक्त हैं और स्पाइजन का केस भी इन पे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ब्रांडेड गैजेट्स की वीडियोस देखने के लिए। और इसको बाय करने का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अपना ख्याल